बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 8th लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स डोमेन अलजब्रा एंड सब डोमेन लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.20 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को तीन मेथड से सॉल्व किया था, जिनमें हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ग्राफिकल मेथड था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.21 में कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमने लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है जी, अहमद एडिड 5 इन दी ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अहमद ने 5 ऐड किया है एक नंबर के ट्वाइस, यानी कि दो गुना में, डबल में। Then he subtracted half of the number from the result. और उसमें से फिर उस नंबर का हाफ उसने सब्ट्रैक्ट किया है। Finally he got the answer 8. और उसका आंसर क्या आया है? 8. वो हमने नंबर फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x. अब हमें जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर बनती हैं, वैसे यहाँ पे तो एक ही लीनियर इक्वेशन बनेगी, आगे जो क्वेश्चन है इनमें हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। अब हम पहले मेंशन करेंगे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन हमें ये गिवन है कि अहमद ने ऐड किया है 5 इन दी ट्वाइस ऑफ दी नंबर, नंबर x है तो x का डबल क्या होगा? 2x, और उसमें उसने ऐड किया है 5। अहमद एडिड 5 इन दी ट्वाइस ऑफ अ नंबर, नंबर का हमने डबल किया, उसमें 5 ऐड कर लिया। देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ दी नंबर फ्रॉम दी रिजल्ट। अब इसमें से उसने उस नंबर का हाफ, अगर नंबर x है तो ऑब्वियसली उसका हाफ करने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसने उसमें से उस नंबर का हाफ सब्ट्रैक्ट किया है, और उसका आंसर क्या आया है? आंसर आ गया है, फाइनली ही गॉट द आंसर 8। अब आंसर 8 है तो हमने फाइंड करना है नंबर, यानी कि इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से आप 5 जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, 2x माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5। अब 8 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपने इसको डिनोमिनेटर को सेम करके सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 है दूसरी वैल्यू के, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो आपने डिनोमिनेटर को 2 बनाना है, तो इस वैल्यू को आप इस वैल्यू को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेम हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस, और ये ऑलरेडी सेम है तो x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। 4x में से x माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3x, और ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये राइट साइड पर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 2 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और लास्ट पे हम मेंशन कर देते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास 2 है। रिक्वायर्ड नंबर is equal to 2. Question number 2 की statement है, if we add 3 in the half of a number, अगर हम किसी भी number के half में 3 add करें, we get the same result as we subtract 1 from the quarter of the number. अब अगर हम एक number का half करें और उसमें हम 3 add करें, हमारे पास same result आएगा अगर हम उस number को 4 parts में divide करके उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें। फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास x है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लेट इसी तरह से फर्स्ट वाले की तरह लेट कर लेना है कि
रिक्वायर्ड नंबर जो है, नंबर किसके इक्वल है, एक्स के। अब हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम एक नंबर के, इफ़ वी ऐड थ्री इन दी हाफ ऑफ अ नंबर, नंबर का हाफ करते हैं, नंबर हमारे पास एक्स है तो एक्स का हाफ क्या होगा, एक्स ओवर टू। इसमें थ्री ऐड करें तो वो इक्वल आएगा, अगर हम वन सब्ट्रैक्ट करें किस में से, उसी नंबर के क्वार्टर में से, यानी कि उस नंबर को फोर से डिवाइड करके उसमें हम वन उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें गिवन था, हमने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप एक्स वाली वैल्यू एक साइड पर कर लें, एक्स ओवर टू, ये जो पॉजिटिव एक्स ओवर फोर है ये लेफ्ट साइड पर जाके माइनस एक्स ओवर फोर इज़ इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे पहले से था, और ये हमारे पास प्लस का जो थ्री है वो राइट साइड पे आके माइनस थ्री। अब आपने सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो फोर बनाएंगे डिनोमिनेटर को। इसको फोर बनाने के लिए हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को भी हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फोर सेम हो जाएगा और ये जो x है ये बन जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे 4 सेम है तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। अब 2x में से जब आप x माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर x आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 था वो राइट साइड पे जाके माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16, और लास्ट में हम मेंशन कर देंगे कि रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, हमारे पास है रिक्वायर्ड नंबर माइनस का 16। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री की हमारे पास स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ फाइव एंड देयर डिफरेंस इज़ वन। दो नंबर्स हैं जिनका सम हमारे पास होगा फाइव और उनका डिफरेंस होगा वन, फाइंड दी नंबर्स, नंबर्स हमने फाइंड कर लेने हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो एक्स और वाई हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, लेट हमने कर लिया कि एक्स एंड वाई आर रिक्वायर्ड नंबर्स, लेट कर लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो हमारे पास एक्स और वाई हैं। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये गिवन है कि जब आप सम करेंगे दोनों नंबर्स का, कंडीशन हमारे पास है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ फाइव एंड देयर डिफरेंस इज़ वन, सम इनका फाइव है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू फाइव एंड x माइनस वाई इज़ इक्वल टू वन, और हमने नंबर्स फाइंड करने हैं x एंड y। अब यहाँ पे ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। इनको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे हम इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। इक्वेशन नंबर टू में से आप x की वैल्यू निकालें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू माइनस का y राइट साइड पे जाके प्लस y हो जाएगा, x इज इक्वल टू y प्लस वन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थ्री।
अगर आपको एलिमिनेशन मेथड जिसमें कोफिशेंट्स को इक्वेट किया था वो इजी लगता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें स्पेसिफिक मेथड मेंशन किया होगा फिर आपको वो उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 से सेपरेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे एक्स की जगह पे क्या आएगा, वाई प्लस 1 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई था तो एक्स की जगह पे आ गया वाई प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू प्लस का जो 1 है वो राइट साइड पे आके माइनस 1, 5 माइनस 1 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 ओवर 2 और y इज इक्वल टू 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। अब y की वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, जब आप पुट करेंगे तो वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है y प्लस 1, तो y की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 आपके पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप लास्ट पे मेंशन कर देंगे एक्स की वैल्यू 3 है वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ आपने सॉल्यूशन सेट नहीं लिखना, यहाँ पे आपसे नंबर पूछे थे कि वो कौन से हैं, तो आप लिख देंगे कि 3 एंड 2 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, 2 एंड 3 लिख दें, 3 एंड 2 लिख दें, एक ही बात है, तो 2 एंड 3 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 4 है, x माइनस वाई, अगर x और y नंबर हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर, तो पहला नंबर अगर x है तो वो 2x हो जाएगा, एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर, दूसरा नंबर y है तो वो 3y हो जाएगा, उसका सम करेंगे और वो किसके इक्वल आ जाएगा 43 के। फाइंड द नंबर्स, तो पहले आप लेट करेंगे, लेट x एंड y आर रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, लेट कर लेते हैं कि x एंड y आर रिक्वायर्ड नंबर्स। अब हमें कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई है x माइनस y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमें गिवन है कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर x है, अगर हम उसका डबल करें और उसमें ऐड करें 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि 2x प्लस 3y वो इक्वल आएगा 43 के। तो स्टेटमेंट दोबारा से देख लें, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि अगर आप द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, दो नंबर्स हमारे पास हमने लेट कर लिए x एंड y, उनका डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल टू 4 कर लिया। ये सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर, सम करना है फर्स्ट नंबर का ट्वाइस, यानी कि फर्स्ट नंबर x है तो 2x हो गया और वन नंबर, एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो दूसरा नंबर y है तो वो हमारे पास 3y हो गया, उनका जब आप सम करेंगे तो वो इक्वल किसके आएगा, वो आपके पास इक्वल आएगा 43 के। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे देते हैं इनको। ये हमारे पास है जी इक्वेशन 1, 2, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर वन, एक्स को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस का वाई जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फोर लिख लें या फोर प्लस वाई लिख लें, एक ही बात है। आप वाई प्लस फोर भी लिख सकते हैं, फोर प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। अब आपने करना क्या है, ये वैल्यू हमने वन से सेपरेट की है, आप पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर टू में। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43, x की जगह पे आप पुट करेंगे y प्लस 4, तो 2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा y प्लस 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 43। 2 इंटू y प्लस 4, x की जगह पे y प्लस 4 आ गया प्लस 3y इज इक्वल टू 43। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 2 फोर ज़ा 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 43। यहाँ से आप 2y में 3y ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 43 माइनस 8। जो 8 था लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे आके माइनस 8 हो गया। 5y इज इक्वल टू 43 में से आप 8 जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 35 के। y इज इक्वल टू 35 ओवर 5, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 = 7 × 35। तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इसी तरह इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। पुटिंग y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 4। तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 है, तो y की जगह पे 7 आ जाएगा। 7 प्लस 4 हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। तो x आ गया है जी 11, फर्स्ट नंबर हमारे पास 11 आ गया, सेकंड नंबर हमारे पास 7 आ गया। आप मेंशन कर देंगे 11 एंड 7 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, समिया इज 7 ईयर्स ओल्डर देन आमना, फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ समियास एज इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ आमनास एज। अब हमें गिवन क्या है कि समिया जो है वो आमना से 7 ईयर्स ओल्डर है। फॉर एग्जांपल आमना की एज अगर 10 ईयर्स है तो समिया की एज कितनी होगी, 10 + 7 = 17 ईयर्स। अब हम लेट कर लेते हैं कि आमना की एज जो है वो एक्स है। लेट आमनास एज इज इक्वल टू x ईयर्स, देन क्या होगा, समियाज एज हमें गिवन है उसे 7 ईयर्स ओल्डर है। इसका क्या मतलब है कि उसकी एज 7 ईयर्स ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 ईयर्स। अब नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 1/4 ऑफ समियास एज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आमनास एज। 1/4 करते हैं किसका, समियास एज का, जो कि x प्लस 7 है, वो इक्वल हमें कहा गया है 1/2 ऑफ आमनास एज जो कि x है। तो कंडीशन हमें क्या गिवन थी, 1/4 ऑफ समियास एज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आमनास एज। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे उससे इक्वेशन बना लिया। अब आप ये 1/4 को इधर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या 1 जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। 4 यहाँ है डिनोमिनेटर में, अगर आप इस 4 को राइट साइड पे ले जाएं तो ये राइट साइड पे जाके
इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जस्ट x प्लस 7 रह जाएगा। ये 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो यही वैल्यू आ गई 4, राइट साइड पे जाके 1/2x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बच गया, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1x से तो 2 1s are 2x। अब यहाँ पे x जो है वो हमारा राइट साइड पे आके माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस x हमारे पास x आ जाएगा और x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। अब हमने x सेलेक्ट किया था आमनास एज को, तो हम मेंशन कर देते हैं लास्ट पे के आमनास एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स, और इसी तरह समियास एज इक्वल आ जाएगा हमारे पास, उसमें 7 इंक्रीज करना है तो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है 5 ईयर्स अगो एसन्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि एसन की जो एज है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 6, क्वेश्चन नंबर 6, और सबसे पहले आपने लेट कर लेना है कि जो हमारे पास एसन एज है उसको एक्स लेट कर लें, शकील एज को वाई लेट कर लें। एसन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, और इसी तरह आप लेट कर लें कि शकील्स एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब हमें गिवन क्या है, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, हम लिख लेते हैं दोबारा से, एसन्स एज इज इक्वल टू, इसमें से 5 माइनस कर देते हैं 5 साल पहले की एज के लिए, एक्स माइनस 5 ईयर्स, और इसी तरह शकील्स एज इज इक्वल टू वाई माइनस 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद एसन्स एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि 5 ईयर्स अगो एसन्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। अगर हम यहाँ पे मेंशन करें जी के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एसन की एज है एक्स माइनस 5, ये 5 ईयर्स अगो की एज है, वो 7 टाइम्स थी शकील की एज के, वो आ गया हमारे पास 7 × y − 5। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमें गिवन है 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स कंडीशन क्या गिवन है, बट आफ्टर 3 ईयर्स एसन एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। पहले हम देख लेते हैं जी आफ्टर 3 ईयर्स इनकी एज लिख लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स तो एसन की एज क्या होगी, एसन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ईयर्स एंड शकील्स एज इज इक्वल टू वाई प्लस 3 ईयर्स।
अब हमें गिवन क्या है कि आफ्टर 3 ईयर्स एसन्स एज जो है, एसन की एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं जी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के 3 साल बाद जो एसन की एज है वो शकील की एज के 4 टाइम्स होगी। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या बनाई है, लेकिन स्टार्ट से हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि एसन की एज एक्स है, शकील की एज वाई है 5 साल पहले, तो एसन की एज होगी एक्स माइनस फाइव, शकील की एज वाई माइनस फाइव। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, 5 साल पहले एसन की जो एज थी वो शकील की एज के 7 टाइम्स थी, यानी कि शकील की एज को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसन की एज आ रही थी। अब आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद सबसे पहले तो उनकी एज लिख ली हमने कि एसन की एज एक्स थी, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 होगी और शकील की एज होगी वाई प्लस 3। 3 साल बाद कंडीशन क्या है, एसन की एज शकील की एज के 4 टाइम्स है, यानी कि जब आप शकील की एज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसन की एज आएगी। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 से वैल्यू सेपरेट कर लेता हूँ, एक्स को सेपरेट कर लेता हूँ और 2 में पुट कर लेते हैं। मेंशन करते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 35, माइनस का 5 राइट साइड पे आके प्लस 5, तो एक्स यहाँ से इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 30, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इस इक्वेशन को पुट करना है 2 में, क्योंकि हमने ये x की वैल्यू सेपरेट की है 1 से, इसको पुट करेंगे 2 में, तो मेंशन करेंगे जी पुटिंग x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 3, तो x की जगह आ गया जी 7y माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4y और 4 3 ज़ा 12, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 7y माइनस 30 प्लस 3 माइनस का 27 इज इक्वल टू 4y प्लस 12। अब यहाँ से हम 4y को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 7y माइनस 4y इज इक्वल टू 12, माइनस का जो 27 था वो राइट साइड पे जाके प्लस 27, 7y में से 4y जब आप माइनस करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 27 में 12 ऐड किया 39। अब यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 39/3, और जब आप इसको 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 13। अब y हमारे पास 13 आ गया, y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y हमने किसकी एज लेट की थी, y हमने लेट की थी शकील की एज, तो वो हमारे पास 13 आ गई है। अब एसन की एज यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको 13 को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेंशन करते हैं जी पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, और y की जगह पे हमारे पास 13 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू 13 माइनस 30। तो नेक्स्ट हम मेंशन कर देते हैं जी x इज इक्वल टू 7 इंटू 13, x इज इक्वल टू
सेवन इंटू थर्टीन, और आगे हमारे पास है जी माइनस थर्टी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन से, यह आ जाएगा 91। तो x इज इक्वल टू 91 माइनस 30। 91 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 61। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 61 और प्रीवियस हमने y की वैल्यू 13 निकाली थी, तो मेंशन करते हैं अब x की वैल्यू। x हमने लेट किया था एसन की एज को और y हमने लेट किया था शकील की एज को, तो लास्ट पे मेंशन करेंगे कि एसन्स एज इज़ इक्वल टू 61 ईयर्स एंड शकील्स एज इज़ इक्वल टू हमारे पास आई थी 13 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एसन की एज फाइंड की है जी 61 ईयर्स और शकील की एज आ गई हमारे पास 13 ईयर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमिरेटर, तो लेट कर लेते हैं हमारे पास न्यूमिरेटर जो है वो एक्स है, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 5 ऐड करने से आ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 5 मैंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू एक्स। न्यूमिरेटर अगर एक्स है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये गिवन है कि अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 2 माइनस करें, बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। अगर हम दोनों में से 2 माइनस करें, यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास है x/x+5, अगर हम इन दोनों में से माइनस करें 2, तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन आ रही है वो है 1/6। देखें वैल्यू किस तरह से आई है, हमें सबसे पहले गिवन था कि जो डिनोमिनेटर है वो 5 मोर है न्यूमिरेटर से, तो अगर न्यूमिरेटर x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 5, तो फ्रैक्शन होगी x/x+5। देन हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो वो इक्वल आएगा 1/6 के। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x-2/x+3 इज़ इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा x-2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, यह आ गया 6x-12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x और 3 1 3, 6x-x इज इक्वल टू 3+12, 5x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15। तो यानी कि न्यूमिरेटर हमारे पास आ गया है x, जो कि हमने फाइंड कर लिया वैल्यू 3। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमिरेटर इज इक्वल टू 3, तो डिनोमिनेटर क्या था, 5 मोर था, इसमें ऐड करेंगे 5, तो 3+5 इज इक्वल टू 8। हमें फाइंड करने का कहा था कि फाइंड करें कि फ्रैक्शन क्या होगी, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/8। 3 हमारे पास है न्यूमिरेटर और उसमें 5 इंक्रीज करने से हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया 8, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी 3/8।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फिदा बॉट 3 kg मेलन्स, 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज फॉर ₹470। फिदा ने 3 kg मेलन्स बाय किए हैं एंड 4 kg मैंगोज बाय किए हैं 470 में। एंड आमना बॉट 5 kg मेलन्स एंड 6 kg मैंगोज फॉर ₹730। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज पर kg। तो लेट कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ मेलन्स पर kg एक्स है। क्वेश्चन नंबर है जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 लेट कर लिया के प्राइस ऑफ मेलन्स पर kg इज इक्वल टू ₹x एंड प्राइस ऑफ मैंगोज पर kg इज इक्वल टू ₹y। अब कंडीशन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि फिदा ने बाय किए हैं 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज 470 में। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470। पर kg की प्राइस हमारे पास हमने लेट की थी x, तो 3 kg की होगी 3x। इसी तरह मैंगोज पर kg की प्राइस हमारे पास y है, तो 4 kg की 4y जब ऐड करेंगे 470। इसी तरह आमना ने जो बाय किए हैं वो किस हिसाब से बाय किए हैं कि 5 kg मेलन्स एंड 6 kg मैंगोज 730 के। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 730। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए इसमें ज़रा फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स और वाई में सारों में जो है वो 1 के अलावा कोफिशेंट है। अगर सिंपल एक्स या वाई होता तो वैल्यू सेपरेट करना ईजी था, ऐसे वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड इक्वेटिंग कोफिशेंट, जिसमें कोफिशेंट हम सेम बनाते हैं। तो आप एक्स का कोफिशेंट सेम बना लें या वाई का कोफिशेंट सेम बना लें। तो वाई का कोफिशेंट सेम बनाने के लिए हमें 4 वाली ये जो इक्वेशन है इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो 6 इंटू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 470। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 3 18x, 6 4 24y। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 470 से तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2820। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 इंटू 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 730। ये हमारे पास आ जाएगा जी 20x प्लस 24y इज इक्वल टू, जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 730 से तो ये आ जाएगा 2920। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में आप देखें y का जो कोफिशेंट है वो सेम हो गया, 24y पॉजिटिव। तो दोनों का साइन सेम है,
अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। थ्री में से फोर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फोर में से थ्री को भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेंशन करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर। थ्री को फोर में से माइनस करते हैं तो फोर हमारे पास इक्वेशन पहले आएगी, 20x प्लस 24y इज इक्वल टू 2920। इसमें से माइनस करेंगे 18x प्लस 24y इज इक्वल टू 2820। अब जब आप माइनस करेंगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, 20x में से 18x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे जब साइन चेंज होगा तो प्लस का 24y और माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट राइट साइड पे जब आप 2920 में से 2820 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। 2x इज इक्वल टू 100। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास डिवाइड करेगा 100 को, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी x इज इक्वल टू 100 ओवर 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 50। अब x की वैल्यू 50 आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मेंशन करेंगे जी पुटिंग x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया मैंने, तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 470। तो 3x की जगह 50 प्लस 4y इज इक्वल टू 470। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 150 प्लस 4y इज इक्वल टू 470। 4y इज इक्वल टू 470 में से जब आप माइनस करेंगे 150 तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 320। और यहाँ से y इज इक्वल टू 320 ओवर y को आपने, y की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप 320 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 320 ओवर 4 आ जाएगा हमारे पास 80। 4 वन ज़ा 4, 4 एट ज़ा 32 और ये 0 हमारे पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 50 और y की वैल्यू 80। तो हमने लेट क्या किया था, प्राइस ऑफ मेलन पर केजी हमने x लेट किया था और प्राइस ऑफ मैंगोज पर केजी y लेट किया था। तो लास्ट पे आपने लिख देना है कि प्राइस ऑफ मेलन्स पर केजी इज इक्वल टू रुपीज, x की वैल्यू आई है जी 50 एंड प्राइस ऑफ मैंगोज ऑफ पर केजी इज इक्वल टू रुपीज 80। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने सॉल्व किया है, इसमें पर केजी प्राइस हमने फाइंड की है मेलन्स की और पर केजी प्राइस फाइंड की है मैंगोज की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर
9. The cost of 2 footballs and 10 basketballs is 2300. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल इज इक्वल टू रुपीज एक्स, और इसी तरह प्राइस ऑफ ईच बास्केटबॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई. अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स. अब यहाँ पे x हमने फुटबॉल को लेट किया, तो 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300. यानी कि अगर हमारे पास फुटबॉल की प्राइस x है तो 2 फुटबॉल की 2x, और बास्केटबॉल की प्राइस हमारे पास y है तो 10 बास्केटबॉल्स की हमारे पास 10y. नेक्स्ट क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स 7x प्लस एंड 5 बास्केटबॉल्स 5y इज इक्वल टू 2650. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. अब यहाँ पे हम इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम देते हैं, 1, 2, और कोफिशेंट सेम बना लेते हैं एक्स का या वाई का, जो हमारे लिए इजी हो. यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये जो 5y है ये 10y बन जाएगा और ये कोफिशेंट सेम हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इजी है. तो यहाँ पे फिर मेंशन करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 × 2650. तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 14x प्लस 2 × 5 = 10y, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2650 से तो आपके पास आ जाएगा 5300. इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 3 कैसे आई है, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखें x का कोफिशेंट सेम बन गया. साइन यहां पे दोनों का सेम है, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. आप 1 में से 3 को माइनस करें या 3 में से 1 को माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. 3 में से 1 को मैं माइनस कर रहा हूँ तो 3 इक्वेशन जो है वो पहले आएगी, 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 5300. इसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300. माइनस करेंगे जब साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 14x में से माइनस करेंगे 2x तो ये आ गया 12x, प्लस का 10y माइनस का 10y कैंसल. इसी तरह जब आपने 5300 में से माइनस किया 2300 तो ये आपके पास 3000 आ जाएगा, और x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 3000 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 3000 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आ जाएगा 250. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इज़ इक्वल टू 250.
अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन वन में पुट कर लें, इक्वेशन टू में पुट कर लें, वहाँ से आप इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 250 इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग x इज इक्वल टू 250 इन इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, 7x, 7 इंटू एक्स की जगह 250 प्लस 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। इक्वेशन नंबर टू हमने, ये जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर टू, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। अब इसमें वैल्यू पुट की है, 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 से तो ये आपके पास आ जाएगा 1750 प्लस 5y इज इक्वल टू 2650। यहाँ से 5y इक्वल आएगा 2650 में से, जो 1750 है राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और जब आप 2650 में से माइनस करेंगे 1750 तो ये आपके पास आ जाएगा 900। 5y इज इक्वल टू 900, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 900 को 5 से डिवाइड करना है, y इज़ इक्वल टू 900 ओवर 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180। तो लास्ट पे मेंशन कर देते हैं, तो प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल, प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल इज इक्वल टू x लेट किया था तो ये आ गया रुपीस 250, एंड प्राइस ऑफ ईच बास्केटबॉल इज इक्वल टू, इसको y लेट किया था हमने तो ये आ जाएगा रुपीस 180। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ईच फुटबॉल की प्राइस फाइंड कर ली हमने और ईच बास्केटबॉल की प्राइस फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारे पास है 10, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट क्या है, इफ़ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर को अगर हम इंक्रीज करें 1 से, यानी कि उनमें 1 ऐड करें, दी फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। हमने लेट कर लिया कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो x/y है। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमें गिवन है कि अगर फ्रैक्शन में हम इंक्रीज करें 1x+1/y+1 तो वो इक्वल किसके आता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, ये हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है। और इसी तरह नेक्स्ट हमें गिवन है, इफ़ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2, अगर हम 2 डिक्रीज करें, यानी कि x-2/y-2 तो वो किसके इक्वल आएगा, इट बिकम्स 1/3। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं एक्स या वाई की, और फिर हम उसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये वैल्यूज होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो वाई माइनस टू है ये राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा x-2 से। तो ये आ गया
3 into x minus 2 is equal to 1 into y minus 2. अभी आ गया 3x minus 3 to the 6 is equal to y minus 2. अब y को सेपरेट कर लेते हैं, हमारे लिए इजी है. माइनस का 2 लेफ्ट साइड पे आके प्लस 2 हो जाएगा. 3x minus 6 plus 2 is equal to y. अब यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y is equal to थ्री एक्स माइनस का 6 और प्लस का हमारे पास जो 2 है ये आ जाएगा माइनस का 4. अब ये y की वैल्यू हमने सेपरेट की है इक्वेशन नंबर 2 में से, इसको 3 का नेम दे दें और पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में. पुटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 ओवर y प्लस 1. तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 प्लस 1 इक्वल किसके है, ये इक्वल है 2 ओवर 3 के. तो ये जो माइनस 4 प्लस 1 है x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से और 2 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे 3x माइनस 3 से. तो यहाँ से आपके पास आ गया 3x प्लस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 6. x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लें, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 6x माइनस 3x. ये कांस्टेंट वैल्यूज को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, x वाली वैल्यूज को राइट साइड पे. 3 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 9 इज इक्वल टू 6x में से माइनस किया 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 ओवर 3. 9 को 3 डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. अब आपने इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में. इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की, और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी x ओवर y. तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4. हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4. अब यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर लिया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई. आप लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y यानी कि 3 ओवर 5. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी वो आ गई 3 ओवर 5. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11. इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है. तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1 ओवर 2. इफ़ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, इट बिकम्स 1 ओवर 4. फाइंड द फ्रैक्शन, बिल्कुल ऐसे ही है. आप लेट करेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x ओवर y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अब कंडीशन क्या गिवन है, इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, एक्स माइनस 1 ओवर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू द फ्रैक्शन बिकम 1 ओवर 2. और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं.
नेक्स्ट गिवन है जी, इफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, एक्स माइनस 3 ओवर वाई माइनस 3, इट बिकम्स 1/4। अब आप इसमें किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू सेपरेट कर लें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से जो ये 2 है ये लेफ़्ट साइड पे जाके x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो y माइनस 1 है ये राइट साइड पे आके 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से हम y को सेपरेट कर सकते हैं माइनस का 1 लेफ्ट साइड पे जाके 2x माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y, और यहाँ से y आ गया इक्वल किसके, 2x माइनस 1 के, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3 ओवर y माइनस 3, तो y की जगह पुट करेंगे, y की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 3 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से x माइनस 3 ओवर 2x माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि ये जो 4 है ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह ये जो x 2x माइनस 4 है ये राइट साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 4, ये आ गया 4x माइनस 4 3 इज़ 12, 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 4। अब यहाँ से x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं, प्लस का 2x लेफ्ट साइड पे आके माइनस 2x हो जाएगा, और इसी तरह माइनस का जो 12 है वो राइट साइड पे आके प्लस 12, 4x माइनस 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 12 8, x इज इक्वल टू 8/2, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आपने पुट कर लेनी है इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसमें x की जगह पे आपने पुट करना है 4, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, y इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 7, आप लिखेंगे required fraction is equal to x over y, तो 4/7। अब ये हमारे पास आ गई है required fraction, question number 11 भी हमारा complete हो गया। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.21 कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.22 स्टार्ट करेंगे, जो कि डोमेन अलजबरा की लास्ट एक्सरसाइज है। फी अमानिल्लाह।